हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुमताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी। वैसे तो ये तुरई है, लेकिन रेसिपी इसलिए नई है क्योंकि इसके अंदर मैं जो चीज़ें डाली हुई हूँ वो बहुत ही हेल्थी हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये तुराई देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर है, ग्रीन कलर। मैंने आज ही लेके आई है, अभी धोकर क्लीन करी हूँ इसे। अभी इसका हमने ऐसा इसके ऊपर का ऐसे छींटे काट लेंगे, इसका स्किन आउट करेंगे। ऐसे इस तरह से करें, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करें, ज़्यादा ना काटें। थोड़े लोग ऐसे करते हैं कि इसको वाइट कर देते हैं। ये देखिए, एक बता रही हूँ, बस एक स्टेप देखिए, ऐसे घस के ऐसे निकाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सेहत के लिए लाभ नहीं होगा। देखिए, मैंने ऐसे निकाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे, इतना सा काटें, इतना सा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए। दोस्तों, जब भी आप तरकारी यानी कि सब्जी खरीदने जाएं तो सबसे पहले आप तुराई ले लें, यानी कि एक पीस या 250 ग्राम आप तुराई ले लें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये जिसको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो डाइट एक बॉल सब्जी ज़रूर खाएं। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम भरपूर है दोस्तों। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसकी सब्जी मैं बनाकर बताऊंगी, सही तरीका क्या है देख लीजिए। और वैसे भी बनाते हैं, कुकर में डाल देते हैं, ज़्यादा गला देते हैं, ऐसा ना करें। मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो करें, मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें, हेल्थी टिप्स आपको मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जितना स्किन आउट करके हूँ इतना ही स्किन आउट करें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। अभी आइए हम बनाएंगे मसाला इसका। ये देखिए, इतना मैंने कच्चा खोपरा लेके हूँ, ऐसे पीसेस बना के हूँ छोटे। ये देखिए, दो मिर्ची लेके हूँ। अभी हम इसमें को जार में डाल देंगे दोस्तों। ऐसे सूखा खोपरा बनाना है, ऐसे ऐसे सूखा पाउडर बनाना है इसका, खोपरे का। अभी मैं डालूंगी इसमें एक छोटी सी प्याज, जो दरदरा काट कर हूँ मैं। अभी इतने पीसेस डाल लेंगे इसमें। अभी ये जार लगाएंगे इसको, इतना मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। अभी मैं कढ़ाई रखे हूँ चूल्हे के ऊपर, मैंने अभी तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, आधा कप तेल डाल रही हूँ। ऐसे चारों तरफ से डालने से हमारी कढ़ाई में दाग नहीं लगेगा, काला जो आता है वैसे नहीं होगा। ये देखिए गर्म हो, दो मिर्ची ऐसे काट के बीच में से ऐसे डाल दें। अभी एक प्याज डाल रही हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं, मसाला जो भी घर में है वही मसाले में बन जाएगी आपकी तुराई। देखिए दोस्तों, प्याज थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो रही है। अभी हम इसमें अदरक डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून। अभी हम डालेंगे इसमें मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और गरम मसाला 1-1 स्पून लेके हूँ दोस्तों। आप चाहे तो मिर्ची का आटा जो है, मिर्ची पाउडर, वो 2 स्पून ले लें। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी तुराई। ये देखिए, मैं इसे काट के हूँ ऐसे पीसेस। आप चाहे तो इससे छोटे भी काट लें, लेकिन तुराई जो है थोड़ी बड़ी रखना चाहिए, क्योंकि गल गई तो उसका जो विटामिन होता है वो विटामिन चला जाएगा। दोस्तों, 1 स्पून साल डाल रही हूँ मैं, यानी कि छोटा सा 1 स्पून, बड़ा स्पून नहीं, छोटा सा स्पून। नहीं, बड़ा स्पून होगा तो 1/2 स्पून ले लें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो हम मिक्सर जार में पीसे खोपरा और मिर्ची और प्याज, वो मसाला डाल दें। अभी इसको थोड़ा अच्छी तरह से भुने हम। दोस्तों, इसका तुरई का न्यूट्रिशन इन्हेंस करने के लिए हम अभी डालेंगे मेथी। मेथी की भाजी धोकर पाक बारीक काट ली मैं, अभी डाल रही हूँ। देखिए, डाल दी मैंने 1 कटोरी मेथी की भाजी डाल दें तो इसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाएगा। अभी मैं डाल रही हूँ इस मोमेंट पर टमाटर, कटे हुए टमाटर, 1 टमाटर बस, 1 कटा हुआ टमाटर, उसके पीसल डाल दें ऐसे करके। थोड़ा सा पानी साइड से छोड़ दें इसको, सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। कुकर की सीटी मत लगाएं दोस्तों, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन मर जाएगा। तो इसको अभी आप क्या करना है, थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी साइड से और रख दूंगी अभी। दोस्तों, सिर्फ आप वेज खाना हो तो ऐसे बना लें, अभी ये सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको तो मैं डाल रही हूँ 2 अंडे, एग। फ्रिज के काटते ही नहीं डालना है दोस्तों,
अंडे कभी भी याद रखें फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल झट से ना करें, थोड़ा टाइम बाहर रख दें पानी में डालकर। ये देखिए ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके इसको जगह बनाकर दे दीजिए, ये बैठ जाएंगे अंदर ऐसे 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 करके ऐसे छोड़ दें। चाहे तो आप थोड़ा सा साल्ट डाल दें ऊपर इसी के। अभी इसको बंद करके छोड़ दें, 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, मैं प्लेटिंग करके बताऊंगी दोस्तों। मज़ेदार तुरई की सब्जी तैयार हो चुकी है, बहुत ही न्यूट्रिटिव है, तो इसको मिस मत करिए दोस्तों, ज़रूर पकाकर खाइए और खिलाइए, ये बहुत ही हेल्थी डाइट फूड है दोस्तों। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है तुरई का चखना, अभी तुरई सब्जी। लो बेटा खा लो। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरे बच्चों को कितना पसंद है, इसको मिस ना करें दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ये सबको हेल्थ की चीज है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये हेल्थी फूड है, इसीलिए। थैंक यू दोस्तों, स्टे फिट।